नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं व्याकरण। और व्याकरण में सबसे पहले जो व्याकरण की नींव है, जो आधार है, वो है वर्ण विचार। ये सत्र दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हो, RPSC की या कहीं किसी और स्टेट की भी, तो हिंदी में, यदि हिंदी आपके पाठ्यक्रम में है, तो वर्ण विचार अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप व्याकरण को नहीं समझ पाएंगे। तो इस सत्र के एक एक बिंदु को बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, ताकि आपकी नींव मजबूत हो सके और व्याकरण के हर एक पक्ष को आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं किस पर? ये चर्चा के बिंदु हमारे आज के हैं ध्वनि से भाषा तक। इस बिंदु का अर्थ है दोस्तों कि किस प्रकार ध्वनि से क्रमशः भाषा का विकास हुआ, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ध्वनि भाषा का मूल है। दूसरी बात, हम मानक हिंदी वर्णमाला की बात करेंगे, क्योंकि वर्णमाला के बहुत सारे रूप हमें प्रचलन में देखने को मिलते हैं, लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा कौन सी वर्णमाला का कौन सा रूप प्रस्तावित किया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे और आप उसे कंठस्थ कर लेंगे, ताकि वर्णमाला पर आधारित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपका परीक्षा में गलत ना हो। तीसरा हमारा बिंदु रहेगा स्वर व्यंजन आयोगवा, अनुस्वार, अनुनासिक, मात्रा, विसर्ग, हलचिन्ह और अवग्रह, जो कि हमारी वर्णमाला के अभिन्न अंग हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यही व्याकरण की नींव बनाएंगे, आपकी संधि को समझने में मदद करेंगे, उपसर्ग और प्रत्ययों को समझने में मदद करेंगे, और यहाँ तक कि छंदों में कौन सी मात्रा कब लगे, दीर्घ लगे या लघु लगे, गुरु लगे या लघु लगे, उसका निर्णय करने में भी आपको इनसे मदद मिलेगी। और फिर हम चर्चा करेंगे स्वरों के भेद की, और इसके साथ ही व्यंजनों के भेद पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं यहां लिख देती हूं व्यंजनों के भेद। और आज की हमारी ये जो चर्चा रहेगी, उसके मुख्य आधार ग्रंथ होंगे हिंदी व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु, जो कि जिन पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं जा सकता, एक आधार है, एक नींव है पंडित कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण की। केंद्रीय हिंदी निदेशालय से प्रकाशित देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, जो एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है, हमारा हमारे आधार रूप में रहेगी। और तीसरा ग्रंथ हमारा रहेगा हिंदी व्याकरण माला, डॉक्टर KR महिया और डॉक्टर विमलेश शर्मा के द्वारा रचित, बहुत ही महत्वपूर्ण ये तीनों आधार ग्रंथ हमारे। तो इन तीनों आधार ग्रंथों के लेखकों, सम्माननीय लेखकों को नमन करते हुए, उन विद्वत जनों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए, उन्हें अपने हृदय में विराजित करते हुए हम आज के सत्र का आगाज करते हैं। सबसे पहले जानना क्या जरूरी है, यदि हमें व्याकरण को समझना है तो हमें जानना जरूरी है दोस्तों कि ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है। लेकिन कैसी लघुतम इकाई? से केवल सुना जा सकता है, यानी श्रव्य। हम ध्वनि को देख नहीं सकते, हम ध्वनि को लिख नहीं सकते, केवल हम ध्वनि को सुन सकते हैं। जब मैं कहती हूं म, तो आप म को देख नहीं पाते, लेकिन म को सुन पाते हैं। इसलिए ध्वनि भाषा की श्रव्य, लघुतम श्रव्य इकाई है। उसके बाद ध्वनि से को हम जब लिखित रूप में, जैसे मैं बोलती हूँ म और आप, ये ध्वनि आपके कानों में पड़ती है और आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, तो जब ध्वनि लिखित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है दोस्तों, तो वो बन जाती है वर्ण, यानी ध्वनि का, भाषा का लिखित लघुतम रूप क्या हुआ? वर्ण हुआ। अब वर्ण के बाद आती है अक्षर की प्रक्रिया। अक्षर वो वर्ण होते हैं, वो शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं, जो कि एक ही सांस में उच्चरित किए जाते हैं, और बोलते समय हम उनके टुकड़े नहीं कर सकते, वे अक्षर कहलाते हैं। और दर्शन शास्त्र में, यानी भारतीय दर्शन में, अक्षर को ब्रह्म का पर्याय माना गया है, क्योंकि ब्रह्म के भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो अखंड, निर्गुण, निराकार और सर्वव्याप्त व्याप्त है। उसी तरह से अक्षर है। और
यदि परीक्षा में पूछा जाए तो पंक्ति से एक पंक्ति पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं दोस्तों, परीक्षा में आप एक एक बिंदु को ध्यान देंगे तो शब्द क्या होता है, शब्द होता है वर्णों का एक सार्थक समूह। यानी अभी तक जो कुछ भी था यहां तक, ये कैसा है, निरर्थक है। यानी इस शब्द के उच्चारण से हम अक्षर का उच्चारण करते हैं, किसी भी अक्षर का आम एक सांस में बोल दिया हमने, लेकिन उसका कोई, उसकी कोई सार्थकता हमारे सामने स्पष्ट रूप से नहीं आती। जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं क म, तो कोई सार्थकता हमारे सामने नहीं आती। तो इस प्रकार से सबसे पहली लघुतम इकाई जो भाषा की है, जो सार्थक भी है, वो है शब्द। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द है, ये प्रश्न पूछा जाता है। भाषा की लघुतम लिखित इकाई वर्ण है और भाषा की लघुतम श्रव्य इकाई ध्वनि है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और शब्द वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं दोस्तों, और जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं तो वे कहलाते हैं पद। जैसे मैंने आम खरीदे, तो आम शब्द अगर मैं बोल रही हूं तो आम शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोधक नहीं है, सिर्फ हमें यही बताता है कि वो एक फल है। लेकिन उस फल के साथ हुआ क्या, वो पूरा का पूरा एक अर्थ जिसको हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं वो वाक्य के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। तो जब मैं कहती हूँ मैंने आज आम खरीदे, तो इसका मतलब है कि आम के खरीदने की पूरी बात आप तक पहुंच रही है, यानी श्रोता तक पहुंच रही है। तो जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, जैसे आम ने संबंध स्थापित किया मैंने के साथ, आम ने संबंध स्थापित किया आज के साथ, आम ने संबंध स्थापित किया खरीदना क्रिया के साथ, तो वो पद बन गया। और जब पद बनते हैं तब उन पदों का जो समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। और वाक्य जब पूर्वापर संबंध से युक्त हो, पूर्वापर शब्द को एक बार फिर से स्पष्ट कर देती हूँ, दोहरा देती हूँ कि पहले वाक्य का आगे आने वाले वाक्य से जब संबंध हो तो वो भाषा बनती है, भाषा में प्रवाह लाती है, और साहित्य का आधार यही प्रवाह युक्त भाषा है। ये तो हुई एक बात जिसके हर बिंदु को आप ध्यान में रखेंगे, और इन सभी पर हम संक्षेप में फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। भाषा की लघुतम श्रव्य इकाई ध्वनि है, कंठस्थ कर लेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। भाषा की लघुतम दृश्य इकाई जिसे बोला सुना लिखा एवं पढ़ा जा सकता है वो वर्ण है। यानी एक कदम ध्वनि हम आगे आ गए कि हम लघुतम दृश्य इकाई तो है ही, हम वो ये श्रव्य थी, ये दृश्य है, इसे बोला भी जा सकता है, इसे सुना भी जा सकता है, इसे लिखा भी जा सकता है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। स्वर और स्वर रहित व्यंजन जो होते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। यानी स्वर भी वर्ण है और व्यंजन भी वर्ण है, लेकिन कौन से व्यंजन, जिनमें स्वर शामिल नहीं है। अर्थ की दृष्टि से वर्ण भाषा की निरर्थक इकाई है, ये ध्यान देंगे। भाषा की लघुतम निरर्थक इकाई क्या है, वर्ण है। आगे चलते हैं। जिस ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के आघात में हो जाए, एक ही आघात हो जाए, उसे अक्षर कहा जाता है, जैसे स्नान, मेम, आम आदि। बोलते समय अक्षर के ध्यान देंगे। अक्षर की खास बात क्या है, अक्षर की विशेषता क्या है, अक्षर न क्षरति इति अक्षरम, यानी जिसका क्षरण नहीं हो, जिसका क्षय नहीं हो, जिसके टुकड़े ना किया जा सके वो अक्षर कहलाता है। कब टुकड़े ना किए जा सके, बोलते समय टुकड़े ना किया जा सके, उसे अक्षर कहते हैं। वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित जो समूह है वो शब्द कहलाता है। जब वर्ण आपस में मिलते हैं और एक समूह बनाते हैं और उस समूह का कोई ना कोई अर्थ होता है, यानी उसमें सार्थकता होती है, तो दोस्तों उसे हम कहते हैं शब्द। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण एक और बात कि भाषा की लघुतम श्रव्य दृश्य लिखित एवं सार्थक इकाई शब्द है, ये बात हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। शब्द सार्थक होता है, अर्थ होता है शब्द का, लेकिन निश्चित अर्थ का बोधक वो तभी बनता है दोस्तों जब उसे वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त करने किए बिना उससे निश्चित अर्थ प्राप्त करना असंभव होता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर निश्चित अर्थ का बोधक बन जाता है तब वो पद कहलाता है। इस बात को मैं आपके सामने स्पष्ट कर चुकी हूँ। आगे चलते हैं।
सार्थक एवं क्रमबद्ध पद समूह जो निश्चित अर्थ का बोधक हो वाक्य बनता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया एक वाक्य के उदाहरण से कि मैंने आज आम खरीदे, ये पूरा वाक्य है और आम शब्द स्वतंत्र होकर केवल स्वतंत्र रूप में जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता केवल और केवल एक फल का बोधक है, लेकिन किसी निश्चित क्रिया का किसी निश्चित अर्थ का बोधक नहीं होता। लेकिन जब मैं ये कहती हूँ कि मैंने आज आम खरीदे और तब ये आम शब्द वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर एक निश्चित कार्य का बोधक, एक निश्चित अर्थ का बोधक बन जाता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वाक्यों का सार्थक क्रमबद्ध एवं पूर्वापर संबंध से युक्त समूह भाषा कहलाता है। अब बात आती है मानक हिंदी वर्णमाला की। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक के सभी महत्वपूर्ण बिंदु आपकी समझ में आ गए होंगे। वर्णों का, अब वर्णमाला क्या है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है और हिंदी वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर हैं। बहुत बार प्रश्न आता है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, कंठस्थ कर लेना है 11 स्वर हैं, क्योंकि ये जो तथ्य है ये किस पर आधारित है, ये तथ्य हिंदी केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रस्तुत प्रकाशित पुस्तिका पर आधारित है। कितने व्यंजन है? मूल व्यंजन 33 है, यानी मूल वर्णों की बात की जाए वर्णमाला में तो केवल 44 वर्ण मूल वर्ण माने गए हैं, 11 और 33 44 होते हैं, लेकिन दो वर्ण जो दो व्यंजन जो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं ड़ और ढ़, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, उनको मिलाकर के 35 व्यंजन माने गए हैं। अब आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में ये तो मूल वर्ण है ही, इनके अलावा और क्या क्या शामिल है उस पर भी आपको नजर डालनी है। संयुक्त व्यंजन अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, हलचिन्ह, आगत वर्ण जो दूसरी भाषाओं से अरबी, फारसी, उर्दू आदि से अंग्रेजी से हमारी भाषा में शामिल हो गए हैं, वे वर्ण हिंदी वर्णमाला के अंग मान लिए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित हिंदी वर्णमाला का मानक रूप यहाँ दिया जा रहा है। दोस्तों इसे आप कंठस्थ कर लेंगे। स्वर कौन कौन से माने गए हैं, मैंने बताया आपको 11 स्वर हिंदी वर्णमाला में माने गए हैं, अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर हैं। आपको इसके विषय में, इस स्वर के विषय में मैं चर्चा करना चाहूंगी। मूलतः ये संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाला स्वर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी में इससे संबंधित शब्द प्रयोग में नहीं लाए जाते। ऋतु की बात करते हैं तो ऋतु शब्द री से बनता है, भले ही आजकल लोग इसको री को इस तरह से ऋतु में लिखने लगे हैं, लेकिन वो अशुद्ध है और री को इस स्वर के रूप माना गया है। जब हम बात करते हैं ऋषि की तो री का प्रयोग होता है, जब हम बात करते हैं रिता की तो री का प्रयोग होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में हम प्रयोग में लाते हैं और री से शुरू होते हैं, तो इसलिए इस स्वर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद इसका महत्व इस दृष्टि से भी है कि दोस्तों बहुत सारे शब्दों में री की जो मात्रा है कृपा, ये री की मात्रा है। ऐसे न जाने कितने सृजन, ऐसे न जाने कितने शब्द हैं हमारी भाषा में जिनमें री की मात्रा का प्रयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारी वर्णमाला का एक अभिन्न अंग है, इस स्वर को हम नकार नहीं सकते। इसके बाद बाकी शेष स्वरों से आप अच्छी तरह परिचित हैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मूल व्यंजनों की। तो दोस्तों व्यंजन के विषय में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। स्वर की इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे स्वर उसमें स्वतः शामिल होगा ही होगा। क जब हम बोलते हैं तो उसमें अ की ध्वनि स्वतः ही आ जाती है। तो इसी तरह से आप प्रत्येक वर्ण को बोल कर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। हलंत इसलिए है जब हम व्यंजन के स्वर रहित रूप का प्रयोग करेंगे, जब हम संयुक्त वर्ण शब्दों की बात करेंगे, संयुक्त वर्ण बनाएंगे, तब हम इस हलंत शब्द का प्रयोग करेंगे और उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए ये मूल व्यंजन है, क ख ग घ ङ उच्चारण पर ध्यान देंगे। ये जो ङ है इसका उच्चारण है ङ, जितना शुद्ध उच्चारण होगा उतना ही शुद्ध आप लिखेंगे और शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि करने में आपको इससे मदद मिलेगी। च छ झ ञ ट ठ ड ढ ण,
थ द ध न प फ ब भ म। अब यहां तक के वर्णों की, ये जो वर्णमाला के ये जो व्यंजन है इनकी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत आसान एक तरीका है कि हमारे जो अवयव है, हमारी वर्णमाला उस तरीके से इतने वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित की गई है, उसका क्रम निश्चित किया गया है कि कंठ से लेकर के ओष्ठ तक की जो हमारी प्रक्रिया है वो क्रमशः आती है, यानी अंदर से कंठ से शुरू करते हैं हम वर्णमाला को और अधरों तक ओष्ठ तक हम उसको बोलते हैं। तो पहला जो वर्ग है, ये जो ये है ये सब वर्ग कहलाते हैं, ये जो है ये है क वर्ग, फिर ये आ गया च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। इसके क्रम को याद करने के लिए दोस्तों आप क च ट त प कंठस्थ कर ले, क च ट त प ये सूत्र है इनके क्रम को याद करने के लिए, तो आप कभी भी उसकी गलती उसमें गलती नहीं करेंगे। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, क वर्ग कहां से बोल रहे हैं, कंठ से। अंदर हमारा पहला अवयव जो है बोलने का वो है कंठ, तो ये है कंठ। फिर हम आते हैं च छ ज झ य, यानी ये है तालु। तालु होता है हमारी जीभ च को का उच्चारण करते समय जिस अपने हमारे मुख के आंतरिक भाग का स्पर्श करती है उसे तालु कहते हैं दोस्तों। तो च छ ज झ य तालु, यानी दूसरा स्थान आ रहा है तालु। उसके बाद ट ठ ड ढ ण यानी मूर्धन्य। उसके बाद जो स्थान आ रहा है दांतों से पहले एक कठोर भाग जिसका स्पर्श हमारी जिह्वा करती है वो मूर्धा कहलाता है, तो ये आ गया मूर्धन्य, यानी हम कंठ से तालु पर आए। उसके बाद अगला हमारा जो भाग आता है मुख का वो आता है मूर्धा, यानी मूर्धन्य पर आए। उसके त हमारे फिर क्या आते हैं, दांत आते हैं, तो फिर ये है दंत्य, त थ द ध न। उसके बाद आते हैं हमारे ओष्ठ यानी प फ ब भ म। तो इस क्रम को तो आप इस तरीके से याद कर लेंगे, आपको कभी गलती कर होगी ही नहीं आपसे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है य र ल व, ये सभी व्यंजन है। उसके बाद श श स ह, इन पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। इस प्रकार कुल व्यंजनों की संख्या होती है 35, यानी 33 प्लस 2। दो कौन है, ये दो है ड और ढ। इनके उच्चारण को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। ड ये है ड यानी पड़ा है, क्या पड़ा है, कोई कुछ जमीन पर पड़ा है ड़ा। लेकिन मैंने पुस्तक में पढ़ा है, जब हम कहते हैं ढ़ा तो ये है ये ढ़, तो दोनों में फर्क है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की, इन पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन है दोस्तों क्ष त्र क्य और श्र, ये चार संयुक्त व्यंजन है। यहाँ बताया गया है कि क्ष, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि क्ष संयुक्त व्यंजन किससे बना है, तो आपको ध्यान रखना है क और श से बना है, षटकोण वाला ये श है, क और श से मिलकर के उनके संयोग से क्ष वर्ण बना है। त्र जो आता है, त्राण शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, त्रास शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, तो त और र से मिलकर बना है। क्य शब्द इसको भी बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, शब्द बना है ज और य से, च छ ज झ य में जो आ रहा था अंत में पंचमांतर उससे मिलकर बना है। और ये जो श्र है, श्रुति वाला श्र, श्रव्य वाला श्र, ये श और र के योग से मिलकर के बना है। अब दोस्तों यहाँ एक बात, ये तो आपको कंठस्थ करने ही है, लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी, क्योंकि ये व्यंजन है ये भी व्यंजन है, लेकिन हम जब ये लिखते हैं तो इसमें हलंत तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि इसमें श स्वर शामिल है। तो यहां मैंने हलंत लगाया है, लेकिन यहां मैंने हलंत नहीं लगाया, इसका मतलब है कि जो श है उसका स्वरूप क्या है, ये है, यानी इसमें स्वर पहले से ही निहित है। यही कारण है कि जब हम लिखेंगे क्षत्रिय तो इसका वर्ण विच्छेद का अभ्यास आपको दोस्तों करना पड़ेगा, आप इस बात को कंठस्थ कर लीजिए। एक उदाहरण मैं यहां आपको बताऊंगी, क्षत्रिय वर्ण है तो क आधा है लेकिन श पूरा है, तो हम क्या लिखेंगे, श, क्योंकि इसमें स्वर है। इसको और तोड़ेंगे तो क्ष प्लस अ, एस ये करके बनेगा क्ष। अब त्री, त्री को कैसे तोड़ेंगे, त र ई, छोटी ई की मात्रा है त्री। उसके बाद आएगा य, तो य अ
ये हो गया य। तो क्षत्रिय वर्ण को ऐसे तोड़ेंगे। तो आपका काम ये है कि जब आप इस लेक्चर को सुने तो आप सबसे पहले अपने अपने नामों के वर्ण विच्छेद करें और उसके बाद जांच करें कि कैसे होता है। यदि मेरा नाम है रीता तो वर्ण विच्छेद होगा र, और क्योंकि मात्रा ई की है बड़ी तो ई प्लस त प्लस आ। इसी तरह से आप सब अपने अपने नामों का वर्ण विच्छेद करेंगे और वर्ण विच्छेद का अभ्यास करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसलिए जरूरी है दोस्तों कि जब हम संधि पढ़ेंगे, हम समास पर चर्चा करेंगे, हम शब्द शुद्धि पढ़ेंगे तो आपको ये सभी चीजें आधार प्रदान करेंगी, नींव आपकी मजबूत होगी। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं जो बिंदी, मंगल, मंगल में म के ऊपर जो बिंदी लगती है वो अनुस्वार होता है, जिसे पुराने समय में वर्णमाला में अंक कह करके पुकारा जाता था। जैसे अंक शब्द अ के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है वो अनुस्वार है। अनुनासिक चंद्रबिंदु को कहा जाता है, चंद्रबिंदु जैसे आंख के ऊपर जो चंद्रबिंदु लगा हुआ है वो चंद्रबिंदु है, अनुनासिक कहलाता है। विसर्ग जैसे प्रातः है, दुख में भी जब हम संस्कृत में बिल्कुल तत्सम दुख लिखते हैं तो इस तरीके से दुख लिखा जाता है। अंततः में त के बाद हम विसर्ग लगाते हैं, ये सब विसर्ग है। और हल चिन्ह आप सभी जानते हैं, भगवत में जैसे त के नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है जो इस बात का संकेतक है कि त व्यंजन में स्वर शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। ये सब जितनी भी बातें, जो कुछ भी हमने पढ़ा है, ये सब हमारी वर्णमाला के अंग हैं। मूल स्वर और मूल व्यंजन अलग है, उसके बाद और क्या क्या शामिल है हमारी वर्णमाला में वो सब यहाँ बताया जा रहा है। अब बात आती है आगत वर्णों की, यानी जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, जैसे क ख ग ज फ, ये सब यहाँ तक क ख ज फ ये सब कहाँ से आए हैं? ये सब दूसरी भाषाओं से आए हैं। क ख ग अरबी से और ज फ फारसी भाषा से आया है। इसी तरह से जो अ है ये एक, इसको कई बार स्वर में शामिल किया जाता है, अ ये अंग्रेजी से आया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक अवग्रह चिन्ह, जब हम संधियां पढ़ेंगे तो बार बार एक ये एस जैसा चिन्ह जिसको अवग्रह कहा जाता है, ये अवग्रह इस बात का संकेतक है कि शब्द में अ शामिल है। जैसे संस्कृत में शब्द है स अहम, लेकिन अ का लोप नहीं हो रहा है, तो अ का लोप नहीं हो रहा है, स का तो हो गया सो, और ये अहम की जगह ये अवग्रह चिन्ह बन जाएगा, लग जाएगा और म लिख दिया जाएगा, सोहम या तो इस तरीके से लिखेंगे या फिर इसको ह के ऊपर बिंदी लगा करके लिख दिया जाएगा, सोहम। तो ये अवग्रह चिन्ह है। अर्धचंद्र कहते हैं ओ को, जिसमें कि बिंदु नहीं होता, उसे अर्धचंद्र कहा जाता है, जैसे कि डॉक्टर में इस्तेमाल है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें अर्धचंद्र का इस्तेमाल होता है। अब बात आती है स्वरों की। स्वरों से संबंधित एक एक तथ्य को आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। स्वरों के उच्चारण में वायु प्रवाह कहीं भी अवरुद्ध नहीं होता, यानी स्वर का उच्चारण अ आ ई उ आप देख रहे होंगे, बोलकर देखिएगा कि कहीं भी हमारे मुख से हमारी जो श्वास है वो कहीं भी अवरुद्ध होती ही नहीं, यानी रुकती ही नहीं, उसको कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। आक्षरिक का मतलब क्या है? हमने अक्षर समझा था कि अक्षर वे होते हैं जिनका एक सांस में उच्चारण किया जाता है, यानी सहजता से, इस आक्षरिक शब्द का अर्थ है सहजता से उच्चरित। आक्षरिक का यहां अर्थ ले लेंगे, सामान्य तौर पर सहजता से उच्चरित होते हैं, इसलिए सभी स्वरों को आक्षरिक कहा गया। सभी स्वर घोष होते हैं, आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है, इस पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी स्वर घोष हैं, सभी स्वर अल्प प्राण हैं, बार बार कंठस्थ लिए कहीं भी प्रश्न आता है। स्वरों की मात्रा होती है, स्वरों की मात्रा होती है, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती। 11 स्वर हैं लेकिन मात्राएं 10 हैं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे चले। अब बात आती है व्यंजनों की। स्वर की सहायता से उच्चरित ध्वनियां हैं। व्यंजन क्या है? जो बिना स्वर की सहायता के उच्चरित होती ही नहीं। जब हम कहते हैं क तो क में अ यानी स्वर शामिल होता ही है, तो स्वर की सहायता से उच्चरित ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजनों के
उच्चारण में वायु प्रवाह या तो पूरा अवरुद्ध होता है, स्वरों के उच्चारण में अवरुद्ध नहीं हो रहा था, या संकीर्ण मार्ग से जिह्वा के उठने के कारण, होठों के गोल होने के कारण, या किसी और वजह से संकीर्ण मार्ग से घर्षण करते हुए यानी रगड़ खाते हुए हमारी श्वास मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पार्श्वों से, मध्य रेखा यानी मुख के बिल्कुल बीचों बीच से, जिह्वा के ऊपर से, या तो हटकर निकलती है या तो पार्श्व बगल से यानी दाईं ओर से निकल जाती है जिह्वा के, या बाईं ओर से जाती है, अथवा यह किसी भी भाग को कंपित करते हुए हमारा श्वास निकलता है। ये वर्ण व्यंजनों के उच्चारण की स्थिति है, यानी व्यंजन कभी भी सरलता से स्वरों की तरह सहज रूप में उच्चरित नहीं किए जाते हैं। सभी व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं। स्वर क्या थे? स्वर आक्षरिक थे, लेकिन व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी श्वास व्यंजनों के उच्चारण में कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती है, रगड़ खाती है और किसी अन्य स्थान से निकलती है, तो इसलिए उन्हें अनाक्षरिक कहा गया है। व्यंजन घोष और अघोष दोनों होते हैं। स्वर केवल घोष होते हैं, लेकिन व्यंजन घोष भी होते हैं और अघोष भी होते हैं। व्यंजन अल्प प्राण भी होते हैं और महाप्राण भी होते हैं, लेकिन स्वर केवल अल्प प्राण होते हैं। अब बात आती है अयोगवाह की। वह जो योग को वहन न करे, अयोग यानी योग को, अ यानी नहीं, वहन वाह यानी वहन करने वाला, यानी जो किसी के साथ भी मिलता नहीं है, बिल्कुल अलग रहता है, कानी भेड़ की तरह बिल्कुल अलग बैठा रहता है, वो है अयोग वाह। तो वहन नहीं करता, अर्थात जो वर्ण न तो स्वर के योग को वहन करते हैं और न व्यंजन के योग को वहन करते हैं, उन्हें अयोग वाह कहा जाता है। हिंदी में अयोग वाह वर्ण केवल दो हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का मतलब बिंदी, जिसको हम कहते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया कंपन क के ऊपर जो बिंदी है वो अनुस्वार है, विसर्ग प्रातः अंततः एकांततः निष्कर्षतः, इन शब्दों में त के बाद जो विसर्ग लग रहा है वो है विसर्ग। और ये दोनों न तो स्वरों के साथ मेल खाते हैं और न व्यंजनों के साथ, इसलिए इन्हें अयोग वाह कहा गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है, तो आपको इनको कंठस्थ कर लेना है। अब बात आती है अनुस्वार की, यानी जहां हम अनुस्वार की बात कर रहे हैं तो हम उसके वास्तविक स्वरूप को समझ लें जरा। अनुस्वार स्वर का अनुसरण करते हैं, यानी स्वर के पीछे पीछे चलते हैं, वे अनुस्वार कहलाता है। यानी जब भी कहीं हम बिंदी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, किसी भी वर्ण पर, तो वो स्वर के बाद ही आती है। देखिए, मैंने शब्द लिखा कंपन, अब मैं अगर इसका वर्ण विच्छेद करूंगी तो पहले तो आएगा क, फिर आएगा अ और फिर आएगा अनुस्वार। यानी ये अ क्या है? स्वर है, और स्वर के बाद क्या आ रहा है? अनुस्वार। क्योंकि हम उच्चारण करते हैं कम, तो क फिर अ और फिर अनुस्वार आता है। यही बात यहाँ कही गई है कि अनुस्वार वह है जो स्वर का अनुसरण करे, यानी स्वर के बाद ही हमेशा अनुस्वार आता है, स्वर के पीछे प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है घमंड, अब आप इसका वर्ण विच्छेद करके समझने की कोशिश करेंगे। अनुस्वार का प्रयोग कभी कभी शब्द के अंत में भी होता है, कभी तो शब्द के मध्य में होता है जैसे घमंड में हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि शब्द के अंत में स्वर के बाद अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे हम, स्वयं एवं शिवम, क्योंकि उसके बाद कोई व्यंजन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ये जितने भी अनुस्वार हैं ये सब म के सूचक हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अनुस्वार का प्रयोग स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, जैसे कि कंटक, तो अब अस क को तोड़ेंगे तो क प्लस अ, फिर आ गया अनुस्वार और उसके बाद आगे आएगा पहले ट फिर अ, तो यानी स्वर और ये हो गया व्यंजन, इनके बीच में क्या प्रयोग हो रहा है? अनुस्वार प्रयोग हो रहा है। यानी अनुस्वार कभी तो शब्द के अंत में प्रयुक्त होता है, कभी स्वर और व्यंजन के बीच में प्रयुक्त होता है। अनुस्वार का उच्चारण वर्ग स्थानीय के साथ साथ नासिका से भी होता है, क्योंकि अनुस्वार एक ऐसी ध्वनि है जिसमें जिसका उच्चारण करते समय हमारी श्वास नासिका से निकलती है। तो लेकिन जिस वर्ण, जिस व्यंजन के साथ ये अनुस्वार जुड़ जाता है, वो व्यंजन कहाँ से उच्चरित हो रहा है? जैसे क, कंपन, तो क से उच्चारण हो रहा है, कंठ से क का उच्चारण हो रहा है, तो वर्ग का स्थान जो है उच्चारण का, वहां से भी ये उच्चरित होगा, और म यानी इसका स्वभाव है नासिका से श्वास निकलना, तो नासिका से भी उच्चरित होगा। ये इसकी खास बात है, जिस व्यंजन के साथ ये लगेगा
उस व्यंजन के अनुसार भी उच्चरित होगा और स्वयं नासिका से भी उच्चरित होगा, यानी दोनों ही चीजों का प्रयोग यहाँ पर होगा उच्चारण में। आगे चले, चट प इन पांचों वर्गों के पंचम वर्ण ग य ण न म जब बिंदु रूप में लिखे जाते हैं तब अनुस्वार कहलाते हैं। ये जो पांचों वर्ग हैं, इन पांचों के ये पांच अंतिम पंचम अक्षर हैं, हर वर्ण का पंचम अक्षर क का, च का, ट का, त का और प का, ये इन सभी वर्गों के ये पंचम अक्षर है। ये सब पंचम अक्षर नासिक के हैं क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी श्वास नासिका से निकलती है, इसलिए ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन जब ये अनुस्वार, जब ये किसी के ऊपर बिंदी के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, शिरोबिंदु के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है अनुस्वार। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अनुस्वार युक्त शब्द हमेशा तत्सम होते हैं, तत्भव शब्द अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो एक तो यही पहचान हो गई कि जिस शब्द पर बिंदी लगी हुई है अनिवार्यतः वह शब्द तत्सम ही होगा, आप इस बात को कंठस्थ कर लीजिए। तो एक भ्रम तो आपका तत्सम तद्भव की पहचान में हट ही गया, एक रास्ता तो आपको राह मिल गई कि जहां भी अनुस्वार आएगा आप समझ जाएंगे कि ये शब्द तत्सम ही है। संस्कृत शब्दों में य से ह तक के वर्ण से पहले अनुस्वार का प्रयोग होता है। अब अनुस्वार कहां कहां प्रयुक्त होता है, शब्द शुद्धि में बहुत काम आने वाला है ये बिंदु। य र य से ह तक का मतलब क्या है, य र ल व श श स और ह, य से ह तक के वर्ण से पहले, यानी किसी भी वर्ण में जब बाद में य र ल व आए और उससे पहले कोई भी पंचमाक्षर आए किसी भी वर्ग का, तो क्या होगा, अनुस्वार का प्रयोग होगा। ये नियम दोस्तों इसलिए बनाए गए हैं कि पहले पंचमाक्षर का प्रयोग होता था, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता था। अधिकतर पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाता था, जैसे हम लिखते हैं पंकज, तो पहले पंकज कैसे लिखा जाता था, पंग कज इस तरीके से लिखा जाता था। तो आप इस बात को ध्यान में रख लेंगे, पंचमाक्षर ये आ गया, ये गलत हो गया है दोस्तों, इसको इस तरीके से लिखेंगे पंकज, इस तरीके से लिखेंगे पंकज। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, तो पंकज इसमें ये पंचमाक्षर क वर्ण का पंचमाक्षर है। और दोस्तों एक और नियम जिसकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं, यही आपको मैं समझा देती हूँ कि जो वर्ण होगा बाद में उसी वर्ण का पंचमाक्षर पहले आएगा और वही अब अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है वर्तमान में हमारी मानक हिंदी वर्णमाला में के अनुसार। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, लेकिन य से ह तक के जो वर्ण है उनमें पहले पंचमाक्षर के स्थान पर क्या आएगा, अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। जैसे संयोग संरक्षण, यहाँ पे य आ रहा है, यहाँ र आ रहा है, यहाँ ल आ रहा है, अंश कंस सिंह आदि। आगे चलते हैं, पंचम वर्ण बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण अनुस्वार का प्रयोग ही करना चाहिए। ये एक और नियम है, सवर्गीय, सवर्गीय का मतलब क्या है, अपने वर्ग का। यानी जैसे पंकज का मैंने आपको उदाहरण बता दिया, जैसे गंगा है क वर्ग का वर्ण है, बाद वाले वर्ण पर ध्यान देंगे, जिस पर अनुस्वार लगा है उसके बाद कौन सा वर्ण आ रहा है उस पर ध्यान देंगे और उसी वर्ण का पंचमाक्षर प्रयुक्त होगा। तो उस पहले पुरानी भाषा में हिंदी में इसी तरह से लिखा जाता था, जैसे गंगा लिखेंगे हम इस तरीके से, लेकिन आजकल पंचमाक्षर की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं और गंगा इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पंकज ये मैं आपको बता चुकी हूँ, चंचल च वर्ण का क्या है पंचमाक्षर, इस तरीके से चंचल लिखा जाता था, तो आप इस बात को ध्यान में रख लेंगे। ऐसे ही मंजूषा में भी यही पंचमाक्षर प्रयुक्त होगा। तो ये मूल रूप था हिंदी भाषा का, लेकिन अब मानक हिंदी केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा ये बना दिया गया है नियम कि इन सबके स्थान पर पंचमाक्षर के स्थान पर क्या प्रयुक्त होगा, अनुस्वार यानी शिरोबिंदु ही प्रयुक्त होगा। इन सबको आप तोड़कर देखेंगे, अभ्यास करेंगे। पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का वर्ण आए
तो पंचमाक्षर अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यहां क वर्ण है और क वर्ण की जगह अगर कोई और वर्ग का वर्ण हो तो ये पंचमाक्षर ही रहेगा। जैसे उदाहरण देखिए, वांगमय। अब यहां तो ng है, लेकिन यहां पंचमाक्षर तो ये आ गया क वर्ग का, लेकिन ये पंचमाक्षर कौन सा आ गया? प फ ब भ म, प वर्ग का, यानी दूसरे वर्ग का आ गया, यानी ये सवर्ण नहीं है, ये अलग जाति का विजातीय वर्ण है, दूसरे वर्ग का वर्ण है। तो ऐसी स्थिति में ng का पंचमाक्षर नहीं होगा, हम कभी भी वांगमय को इस तरीके से नहीं लिखते, हम हमेशा इस तरीके से लिखते हैं। तो इस नियम को भी आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही अन्य में त थ द न न, त वर्ग का पंचमाक्षर है लेकिन उसके बाद य आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में न का न ही प्रयुक्त होगा, ऐसे ही चिन्ह में, ऐसे ही उन्मुख, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पंचमाक्षर के द्वित्व रूप आने पर, यानी कोई भी पंचमाक्षर अगर द्वित्व रूप में यानी डबल रूप में आए तो भी अनुस्वार में उसका परिवर्तन नहीं होता। जैसे अन्न, जैसे सम्मेलन, ये न का द्वित्व रूप, ये म का, और ये भी म का द्वित्व रूप है। अनुस्वार एक अयोगवाह अर्थात स्वर और व्यंजन से पृथक ध्वनि है, इसलिए छंद शास्त्र में ध्यान देंगे, छंदों में मात्रा लगाने में आपको इससे मदद मिलेगी, इसलिए छंद शास्त्र में उसके उच्चारण को एक मात्रा गिना गया है, यानी अनुस्वार की छंद शास्त्र में एक मात्रा है, इस बात को आप ध्यान देंगे। जिस स्वर पर अनुस्वार लगता है इसलिए उसे द्विमात्रिक, दो मात्राओं वाला यानी गुरु मान लिया जाता है। तो जहां भी बिंदी आएगी छंदों की मात्रा लगाते समय आप उस पर गुरु मात्रा ही लगाएंगे। आगे चलें। अब बात आती है अनुनासिक। अनुस्वार के विषय में जो भी बातें पढ़ी उनसे थोड़ी भिन्न तथ्य है अनुनासिक के विषय में। अनुनासिक स्वतंत्र वर्ण नहीं है, अनुनासिक चिन्ह व्यंजन नहीं है, बल्कि स्वरों का ध्वनि गुण है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चंद्रबिंदु अनुनासिक का चिन्ह है, चंद्रबिंदु ये अनुनासिक का चिन्ह है, इस चंद्रबिंदु को ही हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से होता है, जैसे गांव, आंख, ऊंट, सांप आदि। अनुनासिक का उच्चारण लघु परंतु अनुनासिक युक्त वर्ण के गुरु होने पर यह गुरु माना जाता है। देखिए छंद शास्त्र में अनुस्वार की एक मात्रा मानी गई है, तो जिस पर अनुस्वार लग गया वो द्विमात्रिक हो जाएगा यानी गुरु वर्ण हो जाएगा, लेकिन अनुनासिक के साथ ये स्थिति नहीं है। अनुनासिक स्वयं लघु है, अगर जिस पर ये अनुनासिक चिन्ह लगा है अगर वो गुरु वर्ण है तो इसकी मात्रा गुरु होगी, और अगर लघु वर्ण है तो उसकी मात्रा लघु होगी। अनुनासिक को स्वर रंजक कहा जाता है क्योंकि यह जिस स्वर के साथ प्रयुक्त होता है उसके उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, अतः यह स्वर को नासिका से रंजित कर देता है, क्योंकि हवा किससे निकलती है? नासिका से भी निकलती है, मुख से भी, और नासिका से दोनों तरफ से उच्चारण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि ये स्वर रंजक है, क्योंकि जो भी व्यंजन जिस पर चंद्रबिंदु लगाया जा रहा है उसमें जो स्वर निहित है वो उस स्वर को भी नासिका से रंजित कर देता है। सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। अनुनासिक युक्त शब्द तद्भव की श्रेणी में आते हैं, एक बिंदु ये ध्यान में रख लेंगे, जहां अनुस्वार है वे शब्द तत्सम है, लेकिन जहां चंद्र बिंदु है वे शब्द तद्भव की श्रेणी में आएंगे, जैसे सांस, सांस श्वास का तद्भव हो गया, कांटा कंटक का तद्भव हो गया, दांत दंत का, चांद चंद्र का, चंद्रमा का, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। हित में शिरोरेखा के ऊपर यदि कोई वर्तनी हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे मैं, मैं, मैं चंद्र बिंदु आना चाहिए, लेकिन क्योंकि वहां पहले से ही दो मात्राएं हैं, दो वर्तनियां हैं, तो ऐसी स्थिति में यहां केवल चंद्र बिंदु के संकेत के रूप में बिंदु का प्रयोग होगा। ऐसे ही गेंद शब्द है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। मात्रा की अवधारणा को समझ लेते हैं, शब्द शुद्धि में बहुत सहायक होगी आपके लिए। किसी भी ध्वनि के उच्चारण में लगने वाला जो समय है वो मात्रा कहलाता है। हम ज्यादातर जो भी मात्राएं लगाते हैं स्वरों, व्यंजनों यानी वर्णों पर, तो उन सब की जो मात्राएं होती हैं उनको हम मात्रा कहते हैं दोस्तों। लेकिन जो रूप निर्धारित किया गया है, जो मानक रूप भाषा का निर्धारित किया गया है प्रत्येक वर्ण का, वास्तव में उसके लिए जो शुद्ध शब्द है वो है वर्तनी, इस बात को ध्यान रखेंगे। मात्रा शब्द केवल और केवल उस विशेष समय का द्योतक है
जो हम उस शब्द के उच्चारण में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बिल्कुल आधार पर हम उसके लघु और गुरु होने का निर्धारण करते हैं, यानी मात्रा जो है वो किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय का मान है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मात्रा वर्णों का काल मान है, किंतु वर्तनी का संबंध भाषा के लोक स्वीकृत अक्षर विन्यास से है। ये बात अभी मैं कर चुकी हूँ। वर्तनी भाषा को व्याकरण से और व्याकरण को भाषा से जोड़ती है, यानी भाषा को वर्तनी के माध्यम से ही व्याकरण सम्मत बनाया जाता है। अब बात आती है विसर्ग की। विसर्ग शब्द तत्सम होते हैं। देखिए, अनुस्वार वाले शब्द तत्सम थे, अनुनासिक वाले तद्भव। विसर्ग जहां है वो तत्सम शब्द मान लिए जाएंगे, यानी प्रातः तत्सम शब्द है, अंततः तत्सम शब्द है, एकांततः तत्सम शब्द है। इस तरह से दुख में अगर द के बाद विसर्ग आ रहा है तो वो तत्सम है, अन्यथा वो तद्भव है। विसर्ग को वर्ण के साथ मिलाकर लिखना चाहिए, जैसे प्रातः, अंततः आदि। अब बात आती है हलचिन्ह की। व्यंजन के नीचे प्रयुक्त होते हैं हलचिन्ह। हल चिन्ह इस बात के सबूत होते हैं, इस बात का प्रमाण होते हैं कि उस व्यंजन में स्वर मिश्रित नहीं है। हल चिन्ह व्यंजन के स्वर रहित होने का सूचक होते हैं। संयुक्त अक्षर बनाने में छ, ट, ट, ठ, ड, ढ और ह में हल चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है। दोस्तों, बाकी जितने भी वर्ण हैं वे सब आधे बना दिए जाते हैं। जैसे कि मुझे अगर लिखना है युक्त, तो मैं क को आधा करके ये संयुक्त वर्ण बनाती हूँ। लेकिन यदि मुझे छ का प्रयोग करना है, ट का प्रयोग करना है, ठ का, ड का, ढ का और ह का, तो इनके आधे वर्ण नहीं होते। हम इनको लिखने में हम छ के नीचे हलंत लगा देंगे। मुझे लिखना है उच्छ्वास, तो मैं छ के नीचे हलंत लगाकर ये सूचित करूंगी कि इस छ में स्वर शामिल नहीं है। ये उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जैसे उच्छ्वास, जैसे कट्टा, जैसे गट्ठर, जैसे बुढ़ा, जैसे चिन्ह। तो ये इस बात के सबूत हैं कि इन वर्णों को अगर हमें आधा शब्दों में इस्तेमाल करना है तो हमें इनके नीचे हल चिन्ह अनिवार्यतः लगाना ही होगा। समस्त पद से उत्पन्न शब्दों में, समस्त पद का अर्थ है समास से उत्पन्न शब्दों में हल चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है। जैसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ को तोड़ते हैं तो त के नीचे हलंत लगना जरूरी है, क्योंकि स्वर उससे अलग हो गया है। जो आधा ना है वो यहाँ पर, ये जो आधा त आएगा उसके स्थान पर, क्योंकि यही त बदल करके आधे न के रूप में शब्द में प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह से विद्युत का विद्युत, विद्युल्लता होता है। तत्सम शब्दों तथा संबोधन में हलंत अनिवार्य है। जैसे हे भगवान कहते हैं हम, तो न के नीचे हलंत लगना चाहिए। हे राजन संबोधन है तो हम कहते हैं, तो न के नीचे हलंत लगना अनिवार्य है। अब बात आती है अवग्रह चिन्ह की। संधि के कारण विलुप्त हुए अ को प्रदर्शित करने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे शिव प्लस अहम, शिवो हम बनता है। आगे चले। आई और औ के उच्चारण के विषय में, क्योंकि ये बात जाननी दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना शुद्ध उच्चारण होगा उतनी ही आपकी भाषा शुद्ध होगी, शब्द शुद्धि उतनी ही आपके लिए सहज हो जाएगी। तो य के पहले यदि आई ए आ रहा है तो उसका उच्चारण आई के रूप में होगा, और व के पहले यदि ओ आ रहा है तो उसका उच्चारण होगा औ के रूप में। जैसे गैया, य से पहले आई आया, भैया, गैया, तो हमने इसको इन शब्दों को कैसे बोलते हैं, अय्या करके बोलते हैं। तो यानी इस ए का उच्चारण आई के रूप में होगा। इसी तरह से कौआ, हौआ, तो औ के रूप में यहाँ उच्चारण होगा जब औ का प्रयोग व से पहले आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आती है बात स्वरों के वर्गीकरण की। बहुत सारे आधार हैं दोस्तों, स्वर तो वही 11 हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से उनके उनका वर्गीकरण किया गया है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वो प्रमुख आधार हैं 8, उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर, ओष्ठाकृति यानी कैसे ओठों की आकृति बनती है उच्चारण के समय उसके आधार पर, जिह्वा किस प्रकार की गति करती है उसके आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर कि कितना मुंह खुल रहा है उच्चारण में, कितना नहीं खुल रहा, मुख की मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर, और जाति के आधार पर यानी सवर्ग है या सवर्ग नहीं है, विजातीय वर्ग है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, और प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर भेदों की चर्चा करते हैं। दो उपभेद हैं उत्पत्ति के आधार पर, और वो है मूल स्वर और संयुक्त स्वर।
मूल स्वर वो जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य स्वर की कोई सहायता नहीं मिलती, यानी कोई योगदान ही नहीं है, जो स्वतंत्र रूप से अपने मूल रूप में उत्पन्न हुए हैं। और ये मूल स्वर, प्रश्न पूछा जाता है मूल स्वर कितने माने गए हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है, तो अ, ई, ऊ और री, ये चार मूल स्वर माने गए हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति में किसी अन्य वर्ण का योगदान नहीं है। आगे चले, दूसरे स्वर होते हैं संध्य स्वर। संध्य स्वर जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें संध्य स्वर कहते हैं, और ये संध्य स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या है, सजातीय और सवर्ण वर्णों के योग से जो दीर्घ स्वर बनते हैं, यानी अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, ये दीर्घ स्वर बन गया, यानी अ और अ सवर्ण एक जाति के दोनों स्वर है, उनके योग से जो दीर्घ स्वर बना वो दीर्घ स्वर कहलाएगा। यानी दीर्घ स्वर हमेशा सजातीय और सवर्ण स्वरों के मेल से बनते हैं, और दोस्तों ये दीर्घ संधि का आधार है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर, और ये दीर्घ स्वर हैं वो हैं आ, ई, ऊ, ये दीर्घ स्वर माने गए हैं। भिन्न स्थानों से उच्चरित दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित जो स्वर है वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन। देखिए दोस्तों अलग हैं, जिनकी चर्चा हम आगे फिर करेंगे और हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ स्वरों की बात हो रही है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे अ, देखिए एक बार इस बात को फिर से ध्यान दीजिए आप कि संयुक्त स्वर कौन से हैं, जो अलग अलग स्थानों से उच्चरित होने वाले अलग अलग जाति के स्वर हैं। जाति, अलग अलग जाति के स्वर कौन से होंगे, जिनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, उनकी जाति अलग अलग मानी गई है, तो उनके योग से निर्मित, अलग अलग उच्चारण स्थानों के योग से निर्मित जो स्वर है वो संयुक्त स्वर कहलाएंगे। जैसे अकंठ है, यहाँ पर सब अ लिए कंठ है, लेकिन ई का उच्चारण स्थान है तालु, यानी विजातीय स्वर हो गए दोनों, लेकिन इनके मेल से कौन सा संयुक्त स्वर बनता है, ए, और ए क्या माना गया है, गुण स्वर माना गया है, यानी गुण स्वर का अर्थ है ये गुण संधि का आधार है, इसलिए इसे गुण स्वर कहा गया है। तो जैसे मानव प्लस इतर, ये एक शब्द मैंने यहां उदाहरण के तौर पर दिया है, मानव प्लस इतर, तो ये तो ई हो गया, ई क्या है, तालु, और यहां मानव के व में है अ, यानी कंठ है। दो भिन्न विजातीय स्वरों का मेल हो रहा है और उससे क्या बन रहा है, ए बन रहा है, और ए को क्या कहा गया है, गुण स्वर कहा गया है, ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से अ के साथ जब ऊ मिलता है, और ऊ है ओष्ठ्य, होठों से उच्चारित होता है, क्योंकि होठ गोल हो जाते हैं, होठों की गति होती है उसके उच्चारण में, तो ओष्ठ्य माना, तो ओ। इसी तरह से भाग्योदय, भाग्योदय शब्द, भाग्य य में अ है और उदय यानी ऊ, लेकिन बन गया क्या, ओ बन गया अ और ऊ के मेल से, यानी ये दोनों स्वर जो हैं वो गुण स्वर माने गए हैं। अब बात आती है अ के साथ ए का अगर मेल होता है, तो कंठ तालव्य है ए और अ है कंठ, भिन्न स्थान हो गया, लेकिन बने आई, और आई कौन सा स्वर माना गया है, वृद्धि स्वर माना गया है, और ये कौन सी संधि का आधार है, ये है वृद्धि संधि का आधार। ये सभी संयुक्त स्वर हैं, स्वरों की बात कर रहे हैं हम, बार बार आपको याद दिला रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे, संयुक्त व्यंजन अलग हैं और संयुक्त स्वर अलग हैं। अ और ओ मिलकर के कंठोष्ठ औ बनता है, ये भी वृद्धि स्वर है, ये दोनों वृद्धि स्वर माने गए हैं, आप इस बात को ध्यान में दे लेंगे। एक एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, एक और एक, एक प्लस एक, तो यहाँ भी अ है और यहाँ है ए, तो बन करके क्या बन गया, एक एक, यानी दो मात्राएं लग गई, यानी वृद्धि स्वर। उसी तरह से जल प्लस ओक, ओ पर एक ही मात्रा है, लेकिन अ के साथ जब वो मिल गया ओ, तो औ बन गया, यानी जलोक बन गया, यानी वृद्धि स्वर हो गया, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उच्चारण समय के आधार पर तीन उपभेद स्वरों के किए गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में चुटकी बजाने जितना समय लगता है, यानी सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, यानी छोटा स्वर कहा जाता है, और इन्हें एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अ, ई, रू, ऊ, अ, ई, ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और इन्हें एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो भेद है मात्रा के आधार पर, वो है दीर्घ स्वर
है स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ ई ऊ ए ऐ ओ औ ये सात स्वर दीर्घ स्वर माने गए हैं और इन दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर, सांध्य स्वर, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा स्वर का जो भेद है वो है प्लुत स्वर। वो स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में त्रिगुना समय लगता है वो प्लुत कहलाते हैं और ये संस्कृत में अधिकतर प्रयोग होता है। ओम की ध्वनि प्लुत स्वर में बोली जाती है। जब हम हंसते हैं तो लगातार हम त्रिगुना समय लेते हैं हंसने में और वो हंसने में प्लुत स्वर होता है, रोने में प्लुत स्वर होता है। संगीत के जब संगीतकार रियाज करते हैं और आलाप लेते हैं वो भी प्लुत स्वर होता है, तो वहां प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद तीसरा भेद आता है ओष्ठ धार पर, यानी होठों की, किसी भी स्वर को उच्चरित करने में होठों की आकृति कैसी होती है उसके आधार पर भेद किए गए हैं और प्रमुखतः दो भेद हैं। वृत्तमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाते हैं जैसे उ उ ओ अ, ये पांच वृत्तमुखी स्वर माने गए हैं। अवृत्तमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल नहीं होते उन्हें अवृत्त, वृत्त का मतलब होता है गोला, तो अवृत्त यानी वृत्त जहां नहीं बन रहा है उन्हें अवृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। जैसे आ ई ई री ए ऐ ये सब छह अवृत्तमुखी स्वर हैं। अ के उच्चारण, अ जो वर्ण है उसके, अ जो स्वर है उसके उच्चारण ओष्ठ उदासीन रहते हैं यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त होती, वहां कोई गतिविधि नहीं होती होठों की, तो ऐसी स्थिति में इसे उदासीन स्वर कहा जाता है। उदासीन स्वर कौन सा है, तो अ उदासीन स्वर है, प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। जिह्वा की स्थिति के आधार पर तीन उपभेद किए गए हैं, यानी जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा की, हमारी जीभ की क्या गतिशीलता होती है, किस तरह का की गति करती है, वो उसके आधार पर तीन वर्ग हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अर्घ जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का केवल अग्र भाग गतिशील होता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई ई री ए ऐ, आप देखेंगे कि आपकी जिह्वा का केवल अग्र भाग ही गति कर रहा है तो ये सब अग्रस्वर हैं। जिसमें जिह्वा का बीच का भाग, मध्य भाग गतिशील होता है, सक्रिय होता है, वो मध्य स्वर कहलाते हैं और अ ही केवल एकमात्र मध्य स्वर है। अब बात आती है पश्च स्वरों की, जिनके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग थोड़ा सा उठता है और जिह्वा कुछ पीछे की ओर सरकती है उन्हें कहते हैं पश्च स्वर। जैसे आ ओ उ उ ओ औ ये सब पश्च स्वर माने गए, जिह्वा का पिछला भाग थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक रहा है। मुख के खुलने के आधार पर स्वरों के चार भेद किए गए हैं। संवृत स्वर जिसके उच्चारण, संवृत का अर्थ होता है बंद, और इस बात को शब्द का अर्थ अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे, जिनके उच्चारण में जिह्वा का व्यवस्थित भाग अधिकतम ऊंचाई पर हो, यानी जिह्वा सबसे अधिक ऊंची उठ जाए जिन स्वरों के उच्चारण करते समय और मुख रंध्र यानी हमारा मुंह लगभग बंद हो जाए, तो ऐसे स्वरों को संवृत कहा जाता है। जैसे ई, जब हम ई बोलते हैं तो हमारा, हमारे जो मुख की आकृति है वो लंबी हो जाती है और हमारा मुख लगभग बंद होने की स्थिति में होता है। ई ऊ उ और री तो ये कैसे हैं, ये संवृत स्वर माने गए हैं। अर्ध संवृत यानी उच्च और निम्न स्वर है ये, जिनके उच्चारण में जिह्वा की ऊंचाई संवृत की तुलना में थोड़ी कम होती है लेकिन जहां मुख रंध्र भी थोड़ा सा खुला रहता है, ज्यादा खुला रहता है थोड़ा संवृत की तुलना में, वहां हम उसे कहते हैं अर्ध संवृत स्वर, जैसे ए और ओ। अब आता है तीसरा भेद, विवृत स्वर। विवृत स्वर, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, जिसे बिल्कुल निम्न स्वर माना गया है, जिसके उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुला होता है, जैसे आ तो हम पूरा मुंह खोलकर आ बोलते हैं। अर्ध विवृत यानी नौरुच्च स्वर है ये, जिनके उच्चारण में मुख लगभग आधा खुला होता है, जैसे अ ए ओ औ और आ ओ, इसमें हम अर्ध विवृत स्वर है, हमारा मुख थोड़ा कम खुलता है विवृत की तुलना में, तो ये सब अर्ध विवृत स्वर माने गए हैं। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वरों के तीन उपभेद किए गए हैं, शिथिल स्वर, कठोर स्वर और मध्यम स्वर, जिनके उच्चारण में मुख की मांसपेशियों में तनाव और कसाव कम होता है उन्हें शिथिल स्वर कहते हैं, जैसे अ ई उ
जब भी हम इन तीन स्वरों का उच्चारण करते हैं हमारे मुख की जो मांसपेशियां हैं उनमें कोई तनाव नहीं होता। कठोर स्वर जिनके उच्चारण में मुख की मांसपेशियों में अधिक तनाव या कसाव होता है, जैसे ई ऊ ए औ, इनमें बहुत अधिक तनाव होता है हमारे मुख की मांसपेशियों में, तो इन्हें कठोर स्वर कहा गया है। और मध्यम स्वर जिनके उच्चारण में मांसपेशियों में हल्का सा तनाव और कसाव होता है, ए और ओ, इन्हें मध्यम स्वर कहा गया है। अब आता है सातवां भेद। जाति के आधार स्वरों के दो उपभेद माने गए हैं, सवर्ण सजातीय स्वर। इस बात को, इस बिंदु को आप अच्छी तरह समझेंगे। सजातीय स्वर का मतलब है जिन वर्णों के, जिन स्वरों का उच्चारण स्थान समान है वो सजातीय स्वर कहलाते हैं। समान उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं दोस्तों उच्चारण करते हैं जब भी हम किसी भी वर्ण का, तो एक तो आभ्यंतर यानी हमारे मुख के आंतरिक अंगों का जो प्रयत्न है वो आभ्यंतर, और बाह्य जो प्रयत्न है वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण स्थान समान हो और आंतरिक प्रयत्न समान हो उन्हें सवर्ण यानी सजातीय स्वर कहा जाता है। जैसे अ आ सजातीय स्वर है, ई ई सजातीय स्वर है, उ सजातीय स्वर है, री बड़ा वाला री जो केवल प्रयुक्त होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं है, ये भी परस्पर सवर्ण या सजातीय स्वर कहलाते हैं। दीर्घ संधि के आधार हैं, एक बार फिर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सजातीय स्वरों के मेल से ही दीर्घ संधि का आधार तैयार होता है, यह इन्हें दीर्घ स्वर निर्मित होते हैं। आगे चले। असवर्ण यानी विजातीय स्वर, भिन्न उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न वाले जो स्वर होते हैं वो क्या हो कहलाते हैं, असवर्ण या विजातीय स्वर कहलाते हैं, गुण संधि का आधार है, जैसे अ ई ई ऊ ऊ ई आदि, क्योंकि इनके उच्चारण स्थान भी भिन्न है और आभ्यंतर प्रयत्न भी भिन्न है। तो ये कौन से स्वर हुए, अ और ई, असवर्ण यानी विजातीय स्वर हो गए। इन पर हम पहले भी काफी अच्छी चर्चा कर चुके हैं। अब आठवां भेद आता है, प्रकृति के आधार पर स्वरों के दो उपभेद, अनुनासिक या निरनुनासिक, ननुनासिक या निरनुनासिक, यानी जहां पर अनुनासिकता नहीं है वे स्वर जिनको निरनुनासिक भी कहा जाता है और अननुनासिक भी कहा जाता है, अर्थात जिनके उच्चारण वायु केवल मुख से निकलती है नासिक निकलती, उन्हें अनुनासिक या निरनुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे अ आ ओ ई ई ऊ ऊ ए ई ओ औ, ये सब कैसे हैं, अननुनासिक या निरनुनासिक स्वर हैं। आगे चलें। अब आते हैं अनुनासिक और सानुनासिक स्वर, यानी अनुनासिक स्वरों को सानुनासिक स्वर भी कहा जाता है, जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है वे सब अनुनासिक या सानुनासिक स्वर कहलाते हैं। जब चंद्रबिंदु गया, क्योंकि अनुनासिक हम पढ़ चुके हैं, तो जहां जिस वर्ण पर स्वर पर चंद्रबिंदु लग गया वो अनुनासिक स्वर हो जाएगा, कोई भी स्वर अनुनासिक हो सकता है। जैसे इन सब पर चंद्रबिंदु लगा हुआ है, आ आ ई, ये सब क्योंकि ई पर मात्रा है इसलिए यहाँ पर चंद्रबिंदु की जगह केवल बिंदु है जो कि मात्रा के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरह के ये अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब बात आती है तो इस स्वरों के वर्गीकरण की बात, अब बात आती है व्यंजनों के वर्गीकरण की। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि वर्णमाला में कुल 33+2 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है और सभी व्यंजन मोटे तौर पर 4 वर्गों में विभक्त किए गए हैं। स्पर्श व्यंजन सबसे पहले, स्पर्श व्यंजनों पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ अच्छी तरह से बताऊंगी कि स्पर्श व्यंजन के जो जिन वर्णों के, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख के भाग अवयव एक दूसरे का स्पर्श करें वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, और इनकी संख्या 25 मानी गई है। संस्कृत में 25 है लेकिन हिंदी में 16 ही मानी गई है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन र ल व 4 है, कंठस्थ कर लेंगे प्रश्न पूछा जाता है। ऊष्म व्यंजन भी 4 है, च श स ह, संयुक्त व्यंजन है क्ष त्र ज्ञ श्र, जिनका हम कर चुके हैं। व्यंजनों के वर्गीकरण के कुछ अन्य प्रमुख आधार हैं, जैसे प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर इन्हें कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, नासिक्य, अंतस्थ या अर्धस्वर, अंतस्थ या अर्धस्वर, अंतस्थ वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है क्योंकि जितनी सहजता से हम स्वरों का उच्चारण करते हैं उतनी सहजता से हम य र ल व का भी उच्चारण करते हैं। पार्श्विक, प्रकंपित या लुंठित, प्रकंपित और लुंठित एक ही बात है, उत्क्षिप्त या द्विगुणित ये भी एक ही बात है। तो इस प्रकार से प्रयत्न के आधार पर
व्यंजनों को इतने वर्गों में विभाजित किया गया है। आगे चलें। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर दो वर्ग हैं, सघोष और अघोष, जिन पर अक्सर प्रश्न आते हैं। प्राण वायु की मात्रा के आधार पर दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम इन सब भेदों को समझने की कोशिश करते हैं। प्रयत्न आधार पर वर्गीकरण सबसे पहले लेंगे। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण अवयव दूसरे अवयव का स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्फोटात्मक, ये जो स्पर्श व्यंजन है ये स्फोटात्मक ध्वनियां, स्फोट यानी झटके से ध्वनि उत्पन्न करने वाली ध्वनियां भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह के अंदर आती है, हवा का आगमन होता है, फिर हवा अवरुद्ध होती है, हमारी जो श्वास वायु है उसका अवरोधन होता है, यानी उसमें रुकावट पैदा होती है, अवरोध होता है, और उसके बाद झटके के साथ एक स्फोट के साथ हवा बाहर निकलती है और उच्चारण होता है। यानी तीन स्थितियां होती हैं स्पर्श व्यंजनों में, हवा का आगमन, हवा का अवरोधन और हवा का स्फोटन। तो यही कारण है कि इन्हें स्फोटात्मक ध्वनियां भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्फोटात्मक ध्वनियां किन्हें कहा जाता है, तो स्पर्श व्यंजनों को स्फोटात्मक ध्वनियां कहा जाता है। संस्कृत के अनुसार स्पर्श व्यंजन 25, लेकिन हिंदी में च वर्ग के जो व्यंजन हैं उनके लिए एक अलग कैटेगरी बना दी है, एक अलग भेद बना दिया, एक अलग वर्ग बना दिया है, जिन्हें स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में पांच और पांचों वर्गों के जो पंचम वर्ण है उन्हें नासिक्य कह दिया गया है। तो पांच जो वर्ग हैं उनमें से एक वर्ग तो हट गया, च वर्ग पूरी तरह से, यानी कितने रह गए हमारे पास, 20 वर्ण रह गए। अब उन 20 व्यंजनों में से पांच जो व्यंजन है पंचम वर्ण हर वर्ग का, वो हट गए हमारे, यानी पांच वर्ग और हट गए। तो इसका मतलब हमारे पास केवल वो तो एक वर्ग तो पूरा ही हट गया, चार और हट गए, तो हमारे पास केवल संख्या आई 16। यानी हिंदी में केवल 16 स्पर्श व्यंजन माने गए हैं। लेकिन दोस्तों ये बात आप परीक्षा में जाते समय एक बात अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिए, यदि विकल्प 16 है तो आप 16 पर निशान लगाएंगे, यदि विकल्प 16 नहीं है तो आप घबराएंगे नहीं कि ये में तो वो विकल्प ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत है, नहीं, यदि उसमें 25 है तो आप 25 को सही मानेंगे, उसको सही उत्तर के रूप में अंकित करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत हमारी भाषा का मूल आधार है और उसमें 25 वर्ण माने गए हैं, तो वो 25 स्पर्श व्यंजन माने गए हैं, तो ऐसी स्थिति में 25 स्पर्श व्यंजन भी सही है, और 16 हिंदी में माने गए हैं तो 16 स्पर्श व्यंजन भी सही है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन माना गया है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा स्पर्श भी करती है अवयवों का और घर्षण करती है, रगड़ भी खाती है और बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। च छ ज झ ये स्पर्श संघर्षी है, और इसके बाद इनका जो पंचमाक्षर है वो नासिक के बताया गया है, इसलिए केवल च वर्ग के ये चार व्यंजन ही स्पर्श संघर्षी व्यंजन माने गए हैं। संघर्ष व्यंजन तीन भेद है, जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाए कि हवा उच्चारण अवयवों से संघर्ष या घर्षण करती हुई बिना स्पर्श के बाहर निकले। देखिए यहां क्या है, संघर्षी व्यंजन में क्या है, यहां स्पर्श संघर्षी में स्पर्श भी है संघर्ष भी है, लेकिन संघर्षी व्यंजन में हवा संघर्ष करती हुई बाहर निकल रही है लेकिन स्पर्श नहीं कर रही है, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी नहीं बल्कि संघर्षी व्यंजन कहा गया है। जैसे श श स क ख ग ज फ, ये सभी संघर्षी व्यंजन माने गए हैं। कुछ वैयाकरण जो व्याकरणाचार्य होते हैं उनके लिए शब्द है संस्कृत में वैयाकरण, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। श श स ह को ईषत स्पृष्ट, थोड़ा स्पर्श करने वाले, व्यंजन भी कहते हैं। यानी कुछ वैयाकरणों ने संघर्षी व्यंजन जो माने गए हैं श श स ह, इनको क्या माना गया है, ईषत स्पृष्ट व्यंजन माना है। नासिक के व्यंजनों की बात आती है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उन्हें नासिक के व्यंजन, यानी प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर है वो नासिक के व्यंजन माना गया है। अंतस्थ व्यंजन, स्वर और व्यंजन की मध्यवर्ती ध्वनियां हैं, ना तो स्वर की तरह ये आसानी से उच्चरित होती हैं और ना व्यंजन की तरह इनमें श्वास वायु का अवरोध होता है, ये
मध्य की मध्यवर्ती स्थिति में रहता है इनका उच्चारण, तो ऐसी स्थिति में इन्हें अंतस्थ या इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आता है दोस्तों कि अर्ध स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है संस्कृत में य र ल व ये चार व्यंजन जो है अर्ध स्वर माने गए, लेकिन हिंदी में य और व को ही केवल अंतस्थ या अर्ध स्वर माना गया है। यहाँ भी वही स्थिति है स्पर्श व्यंजनों की संख्या वाली, यदि य र ल व है विकल्प में तो आप इनको चिन्हित करेंगे और य र ल व का विकल्प नहीं है तो य और व को चिन्हित करेंगे। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व का मतलब होता है दाएं बाएं यानी बगल से निकलना, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह के मध्य भाग में दो अवयव एक दूसरे से मिलकर वायु को रुद्ध कर देते हैं, किंतु वायु एक या दोनों पार्श्वों से कभी दाई ओर से कभी बाई ओर से मुख के यानी जिह्वा के दाई ओर से या बाई ओर से निकल जाती है तो उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन है ल, जहां पर जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो आप देखिए हमारी जो जिह्वा है वो ऊपर उठकर वर्ष का स्पर्श करती है और वायु को अवरुद्ध करती है और उच्चारण के समय वायु पार्श्व से निकल जाती है, तब हम ल वर्ण का उच्चारण कर पाते हैं, तो ल जो पार्श्विक व्यंजन माना गया है। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन एक ही बात है, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग अत्यधिक गतिशील हो जाता है और कई बार वर्ष से टकराता है और निश्वास से प्रकंपित हो जाता है, ऐसे व्यंजन प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। ये एक ही है और वो पार्श्विक व्यंजन ल है और प्रकंपित या लुंठित व्यंजन है र। जब हम र करते हैं तो हमारी जिह्वा के अग्र भाग में कंपन होता है श्वास के कारण, तो क्योंकि बार बार वो वर्ष को टकराती है कंपन होता है, तो उसी के कारण इसे प्रकंपित और लुंठित व्यंजन कहा गया है। अब आती है बात उत्क्षिप्त व्यंजनों की, जिन देखिए उत्क्षिप्त शब्द को समझ लीजिए, दो वर्ण है उत् प्लस क्षिप्त, उत् का मतलब है ऊपर, क्षिप्त का मतलब है फेंका गया। जब आपने इन शब्दों का अर्थ समझ लिया तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग वर्ष से टकराता है और श्वास वायु को ऊपर की ओर फेंकता है और उसके बाद जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ड और ढ ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन है और ड में आपको ध्यान रखना है ड जो है वो वर्ष है वर्ष से टकराता है और ढ के उच्चारण में जिह्वा हमारी किससे टकराती है मूर्धा से टकराती है, तो ये मूर्धन्य है ये वर्ष्य है और ये उत्क्षिप्त अल्प प्राण है और ये उत्क्षिप्त महाप्राण है, कंठस्थ कर लेंगे। ढ महाप्राण है यानी इसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है, ड के उच्चारण में कम समय लग रहा है अल्प प्राण है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उत्क्षिप्त व्यंजनों पर भी प्रश्न पूछा जाता है तो ड और ढ ये उत्क्षिप्त वर्ण या व्यंजन माने गए हैं। इन दोनों वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में नहीं होता, यानी आपको कंठस्थ कर लेना है। तत्सम और तद्भव की एक और पहचान आप पता चल गई है कि जिन शब्दों में ड या ढ का प्रयोग हो रहा है वो तद्भव शब्द ही होंगे, तत्सम हो ही नहीं सकते, जैसे पढ़ाई लड़ाई चढ़ाई ये सारे जो शब्द हैं ये तद्भव शब्द हैं, ये तत्सम शब्द नहीं है। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर दो भेद किए गए हैं व्यंजनों के, घोष और अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आने से उन बीच से निकलने वाली हवा से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यानी जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जब वो हवा मुख से निकलती है उच्चारण के समय तो वो स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं घोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा आप 345 याद कर लीजिए, 345 घोष एक सूत्र है इसको आप याद कर लीजिए, 345 घोष यानी प्रत्येक वर्ग का क च ट त प पांच वर्ग उनका तीसरा चौथा पांचवा जो व्यंजन है वो घोष ही कहलाएगा क्योंकि उससे स्वर तंत्रियों में उसके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है। आगे चले, दूसरा है अघोष व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं, यानी बार है अघोष इसका सूत्र हो गया, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण यानी बार है अघोष और 345 घोष, इस बात को आप रट लीजिए। अघोष को जपित स्वर और घोष को सामान्य स्वर भी कहा जाता है। जपित स्वर किसे कहा जाता है
ये भी पूछा जाता है। तो अघोष जो व्यंजन है उनको जपित स्वर कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। प्राण वायु की मात्रा के आधार पर भी दो भेद किए गए हैं व्यंजनों के, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वे जिनके उच्चारण में प्राण वायु का कम प्रयोग हो, महाप्राण वे जिनके उच्चारण में श्वास बल अधिक लगे, प्राण वायु अधिक प्रयुक्त हो, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। तो जैसे प्रत्येक वर्ग का 135 अल्प प्राण, 135 अंतस्थ उत्क्षिप्त ण, और सभी स्वर अल्प प्राण है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह से महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महावर्ण माना गया है। ऊष्म संयुक्त वर्ण न, म, ल और उत्क्षिप्त, ये भी महाप्राण है, इनको आप कंठस्थ कर ले। अब हम बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की। इससे संबंधित कुछ एक सूत्र हैं दोस्तों, जिनको आप कंठस्थ कर लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में ही चर्चा की थी कि कंठ से शुरू होकर हम ओष्ठ तक आते हैं, तो उसके अतिरिक्त भी और कई उच्चारण स्थान बाद में बनाए गए हैं, बताए गए हैं, तो उन सभी की चर्चा हम करते हैं। तो ये सूत्र हैं, ये जो हैं ये सूत्र हैं। आपको कैसे याद करना है? अकुह विसर्ग कंठ, अ का अर्थ है अ और आ, कु का यानी क का अर्थ क्या हुआ, क वर्ग के सभी वर्ण यानी क, ख, घ, ङ, अ का अर्थ अ, और विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग, यानी जहां पर अ और आ हो, क ख ग घ, क ख ग घ ङ हो, ह हो या विसर्ग हो, वे सब उन सब का उच्चारण स्थान है कंठ। और तालु इचु यश यानी ई और ई, च छ ज झ ञ, य और श, व्यंजन जहां हो इन वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु, इस बात को आप याद रख लेंगे। सूत्र हो इचु यश तालव्य, और ऋतु रश मूर्धन्य यानी री टवर्ण टठ डढ़ ण, र और श षटकोण वाला, और ड और ढ, ये सब मूर्धन्य हो गया। इसके बाद आ गया दंत्य तुलस यानी त थ द न, ल और स, ये सब दंत वर्ण है। आगे चलते हैं, ओष्ठ्य उपुव यानी उ के, ओष्ठों के आधार पर जिनका उच्चारण हो रहा है, उ और प फ ब भ म, ये प वर्ग में आ गए, और व ये भी ओष्ठ्य है। नासिक्य यमकणनम यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा पंचमाक्षर जो है वो नासिक्य है। कंठ तालव्य, कंठ से और तालु से मिलकर जो उच्चारण हो रहा है जिनका, वो है ए और आई। कंठ और ओष्ठ से मिलकर के उच्चारण हो रहा है ओ और औ। दंत और ओष्ठ से मिलकर हो रहा है व और फ। वर्च्य है न, न, र, र, ल, ल, स, ज, और काकल्य है ह, प्रश्न पर पूछा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का सत्र आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित होगा, और संभवतः आप इन सभी बारीकियों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए, क्योंकि अगले सत्र में भी हम व्याकरण के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं। बिंदु मैं अभी नहीं बताऊंगी, जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। नमस्कार।